श्रीमंत। तो युद्ध चाहते हैं आप, जरूर होगा, लेकिन मैं चाहती हूं कि युद्ध से पहले आप कुछ पढ़ लीजिए। वो बात मैं कह भी सकती हूं, लेकिन इतनी बड़ी सेना के सामने और इन दो अधिकारियों के सामने शायद वो सुनना आपको अच्छा ना लगे। राघव दादा, श्रीमंत राघोबा, अगर ये युद्ध होता है तो लड़ेंगे मरते दम तक, वो भी अपनी महिला सेना के साथ, हमारी आखिरी सांस तक। लेकिन अगर आप हार गए तो दुनिया में आप मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। हम हारे या जीते, याद रखेगा इतिहास तो सिर्फ हमें। याद रखिए, मुकाबला हमारे साथ होगा, हमारी महिला सेना से होगा। क्या अब भी आप हमारे साथ लड़ना चाहेंगे, हमसे हारना चाहेंगे, या एक महिला को हराकर ये श्रीमंत रघुनाथ राव पेशवा अपनी नाक ऊंची कर दुनिया के सामने आ पाएंगे? संभावना तो बहुत है, मगर हर हालात में आपका बदनाम होना निश्चित है। क्या आप किसी भी संभावना को सच होते हुए देखना चाहेंगे? सरदार, छोटी रानी रघोबा के खेमे में गई है, अभी तक वापस नहीं आई। मुझे बहुत डर लग रहा है कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। हाँ, इस बात की आशंका बहुत ज्यादा है। हमारे विचार से हमें हमला बोल देना चाहिए, कहीं उनके प्राण को। नहीं, कुछ नहीं होगा। छोटी रानी ने हमें यहाँ रुकने का आदेश दिया है तो हम यहीं रुकेंगे। और वैसे भी जहां तक हम लोग छोटी रानी को जानते हैं, जब तक उनकी मर्जी ना हो तब तक हवा भी उन्हें नहीं छू सकती। क्या हुआ, रुक क्यों गए राघव दादा? एक निहत्थी महिला आपके सामने खड़ी है, चलाइए अपनी तलवार और उड़ा दीजिए मेरी गर्दन। चलाइए, लेकिन उसके बाद क्या होगा, सोचा है आपने? उसके बाद इतिहास के किताबों में आपकी बहादुरी के कसीदे पढ़े जाएंगे कि कैसे श्रीमंत रघुनाथ राव पेशवा, जिनके पास हजारों सिपाहियों की फौज थी, उन्होंने मालवा की निहत्थी रानी
अहिल्याबाई होलकर की गर्दन उड़ाकर मालवा पर कब्जा करने का अपना शौक पूरा कर लिया था। चाहिए चाहिए अहिल्या भाई, बख्श दी आपकी जान। बस इतना याद रखिए, ये हम आपसे डर कर नहीं, आप पे तरस खाकर कर रहे हैं। क्या बात है, आज बड़ा ख्याल रखा जा रहा है मेरा। कोई खास वजह तो जरूर होगी। वजह ही तो नहीं है, अब आपने तो अपना सारा जीवन मालवा की सेवा में लगा दिया है। अब मैं आपका ख्याल नहीं रखूंगी तो भला कौन रखेगा? और फिर सेवा तो पत्नी धर्म है ना। आपके पास पद है, लेकिन इतना बड़ा भी पद नहीं है कि मालवा की जनता और मालवा के दरबारी आपका ख्याल करें। रखमा, बात क्या है? कहना क्या चाहती हो तुम? ये घुमा घुमा कर शब्दों का चाल क्यों बन रही हो? देखिए, मैं सब जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि इस समय मालवा का भविष्य खतरे में है, और अहिल्या और मालेराव की हालत आपको भी पता है। अगर इस समय आप जैसा कोई राजा गद्दी पर नहीं बैठा तो। अच्छा, तो तुम हमारी बातें सुनकर आई हो? तुम क्यों नहीं समझती रखमा, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। अब तुम हो कि बार बार वही राग अलाप रही हो। देखिए, आप जो भी समझ लीजिए, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप राजगद्दी पर बैठे। और इसमें गलत क्या कहा मैंने? अगर पेशवा साहेब ने आपकी सूबेदारी छीन ली तो क्या करेंगे आप, बताइए? और माले राव और अहिल्या के बाद कौन बनेगा राजा? देखिए, मुझे गलत मत समझिए आप, मुझे मालवा की रानी कहलाने का कोई लालच नहीं है। मुझे तो वैसे भी सारी सुविधाएं मिल रही हैं और मैं उनका आनंद ले रही हूँ। मुझे आपकी चिंता है और मालवा की भी, और मैंने खुद मालेराव की हालत देखी है, और मुझे नहीं लगता वो इस लायक है कि। ऐसा नहीं है रखमा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पर ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मालेराव का भी ठीक नहीं होगा। बीमार लोग ठीक नहीं होते क्या? ये तो समय का फेर है बस। तुम देखना, एक दिन मालेराव ठीक भी होगा और राजगद्दी संभालने के लायक भी हो जाएगा। मैं भी यही चाहता था कि महाराज औषधि का सेवन करें और उन पर औषधि का असर हो। रात भर से औषधि का असर रहा है, इसलिए महाराज अभी भी सो रहे हैं। वो सब तो ठीक है वैद्य जी, लेकिन ये सब हो क्यों रहा है? मेरा मतलब, मालेराव का दिमाग, बचपन से मालेराव को ऐसी कोई कमजोरी कभी नहीं थी वैद्य जी। जी छोटी रानी साहिब, ये बात मुझे अच्छी तरह से पता है। शरीर से महाराज अभी भी स्वस्थ है, किंतु दिमाग स्थिर नहीं है। कोई पुराना जख्म है जो अपने आप रोज खुरेदता है और नया बना लेता है।
बीमारी पुरानी है, समझ में आ जाई है। शारीरिक जख्म के कारण बुखार आया है और बुखार की वजह से महाराज को दृष्टिभ्रम और मतिभ्रम हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में अक्सर दिमाग में दबी हुई बातें बाहर निकल आती हैं। महाराज मालेराव के साथ भी यही हो रहा है, वो दूसरे व्यक्तियों में केसर को देख पा रहे हैं। धीरे धीरे समझा बुझा कर महाराज को इस स्थिति में से बाहर निकालना होगा। छोटी रानी साहिब, बस यही एकमात्र रास्ता है महाराज को ठीक करने का, और कोई उपाय नहीं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्षमा कीजिए छोटी रानी, दरबार में चलने का समय हो गया है। छोटी रानी, आज की बैठक विशेष है, इसलिए आपका वहां होना अनिवार्य है, क्योंकि निजाम के मुख्य सरदार निजाम का संदेश लेकर आए हैं। मालेराव को छोड़कर जाने का मन तो नहीं कर रहा, लेकिन अपना कर्तव्य तो निभाना ही पड़ेगा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.